ये आप जानते ही हो कौन सी ब्रीड है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये है ग्रेटन। बहुत सारे फ्रेंड बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ग्रेटन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये आज हमारे गेस्ट हैं। फ्रेंड ये एक बहुत जाइंट ब्रीडों में इसको गिना जाता है, इसका बॉडी वेट चला जाता है अराउंड 90 kg या इससे भी प्लस। लाइफ स्पैन आप जानते ही हो 10-12, जो ज़्यादा ब्रीड बड़ी होती है उनका लाइफ स्पैन कम होता है, और ये लगभग 3-4 कलरों में आते हैं, फाउंड कह लो ये है, इसके बाद ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक ब्लूइश कलर भी आता है, लेकिन इंडिया में कह लो कि इस ब्रीड के कलर ने काफ़ी प्रचलित है कह लो या नाम बनाया है। ब्लैक एंड वाइट भी है जिसको हम अक्सर हर्ली क्वीन कह देते हैं, लेकिन इसका जब लुक अभी उतना नहीं बना, क्योंकि इस आप अक्सर KCI के डॉग शोज में देखते हो इनके कानों को सीधा किया जाता है इस तरह क्रॉप कर लुक एट द फेस, फिर जैसे कि आप कह लो कि डॉबरमैन पिंचर में होता है, तब जाकर इसका पूरा आन बान शान ठाट बनेगा। और एक और बात, अगर आप इस कमिंग सीजन ये ब्रीड लेना चाहते हो तो 20 क्या मोस्ट मोटी मोटी गाइडलाइन से वो बता दूं आपको, आपका घर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस ब्रीड का बॉडी वेट 80 kg 90 kg या उससे प्लस जाता है, तो आपको इसको फिजिकली एक्सरसाइज कितनी चाहिए सुबह शाम, लॉट्स ऑफ टाइम। बट ये ब्रीड बाकी राजा महाराजों की टाइप की ब्रीड है, लेकिन उस हिसाब से फिर आपका घर होना चाहिए, उस हिसाब से ही आपके पास समय भी होना चाहिए जो ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा, अच्छी लंबी वॉक पूरा फिट करने के लिए और अच्छी खासी डाइट। अगर मैं कहूँ तो जब ये अडल्ट होगा तो 20 किलो का बैग मेरे हिसाब से ये शायद 10 दिन में ख़त्म कर दे, बट इसका सिर्फ वो हक भी बनता है इसका। तो इसकी प्योरिटी के बारे में आपको बता दूँ मैं फ्रेंड्स, वैसे तो कभी भी इतनी जो महंगी ब्रीड्स होती हैं इनका प्राइस मोस्टली 40 के आसपास से शुरू होता है, 50-70 डिपेंड, हार्ली क्वीन महंगा होता है, ब्लैकिश उससे भी महंगा होता है, ब्लू भी काफ़ी महंगा होता है, और फाउन कलर काफ़ी फेमस है ये इंडिया में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आप ये कह सकते हो। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि टाइम और प्योरिटी के बारे में, इसका देखो जो ये आगे इसके लिप्स पूरे झुके हुए हैं, यहाँ मज़ल थोड़ा ब्लैकिश होगा, इसका कलर अभी डार्क में है, थोड़ा बाद में लाइटिश हो जाएगा, कानों की पोजीशन जैसे आपको पहले कहा कि वो क्रॉप करने के बाद ही सही पोजीशन जाएगी। तो और भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। तो मोटा मोटी एक वीडियो था बनाना ग्रेटन के साथ, और वो हमने आज पूरा किया मेरे फ्रेंड। अगर आप एक अच्छा गार्ड डॉग, एक अच्छा वॉच डॉग, एंड ऑफ द डे ऑनर पर ही डिपेंड करता है कि आप डॉग को किस तरह का बिहेवियर देते हो, किस तरह का उसका प्रोटोकॉल लाइफ होती है, लेकिन इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय फ्रेंड कैल्शियम, क्योंकि जो भी ब्रीड बड़ी होती है उसके लिए मल्टीविटामिन कैल्शियम अर्ली एजेस पहले 3-4-5 मंथ बहुत ज़रूरी होते हैं, और लास्ट के दिनों में जब हमारा डॉग सीनियर होता है तब भी बहुत ज़रूरी होता है। खान पान हमेशा डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर, इस ब्रीड के बाल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि अमेरिकन बुल्ली की तरह बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी लगे, काफ़ी हद तक इंडियन क्लाइमेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बट मेन है कि इसका मसल बिल्डअप करना, इसको राइट पोजीशन में लाना, और इसको भरपूर मात्रा में फैट फीड एंड ऑल्सो मल्टीविटामिन कैल्शियम, प्रॉपर डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, और डिवॉर्मिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर देते रहना, तभी इसकी ग्रोथ बनेगी। ओके जी, तो फ्रेंड आज इसका हमने कितना बॉडी वेट चेक की, 42 डेज के आसपास एज है, और बॉडी वेट आया कितना इसका 3.7, राइट 3.7 आया। तो ये मिलिए माय फ्रेंड ग्रेटन, होप आपको अच्छा लगा होगा। इस साल ये ब्रीड अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आपका प्लान है इस साल, तो वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग, बड़े 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 जो लोग बहुत सारे मेरे फ्रेंड बड़ी ब्रीड कहते हैं ना, तो ये है वो। सेंट बर्नार्ड भी वैसे बहुत बड़ी ब्रीड है, मैं सेंट बर्नार्ड को इसके साथ कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सेंट का बॉडी वेट कह लो लाइफ से लगभग इसके साथ मिलता जुलता ही है, लेकिन उसके बाल बहुत होते हैं मेरे फ्रेंड, उस ब्रीड को संभालना, टेम्परेचर मेंटेन रखना, उसमें ये ब्रीड सेंट बर्नार्ड से ज़्यादा पॉइंट ले जाती है, क्योंकि बाल छोटे होने के कारण सांभ संभाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, स्पेशली गर्मियों में। ओके जी।
बहुत लवेबल ब्रीड है फ्रेंड, होप आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।